नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में कदाचार रहित इंटर की परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसके बाद भी इंटर की परीक्षा में फर्जीवाड़े का खेल थम नहीं रहा है। मंगलवार को भी एक अमरपुर के CMS हाई स्कूल से फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को भी इसी स्कूल से एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र झा ने बताया कि मंगलवार को प्रथम पाली के दौरान गणित विषय की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान CMS हाई स्कूल में केंद्राधीक्षक रेणु कुमारी ने परीक्षार्थियों की जांच शुरू करवाई। बारी बारी से जांच के क्रम में एक छात्र का जब एडमिट कार्ड से फोटो मिलान किया गया तो कुछ गड़बड़ी पाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो छात्र फर्जी निकला। फर्जी छात्र रूपेश कुमार SPS कॉलेज के छात्र साजन कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। फर्जी छात्र को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फर्जी छात्र के विरुद्ध अमरपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि SMPS हाई स्कूल शाहपुर के केंद्राधीक्षक रेणु कुमारी से प्राप्त आवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे छात्र रूपेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर की गई है। गिरफ्तार युवक मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयरी टोला का है। इससे पहले सोमवार को भी इसी हाई स्कूल से फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे एक छात्र दुलार कुमार को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल गिरफ्तार युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जेल की क्षमता बढ़ाने और कैदियों को मानक के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जेल IG मिथिलेश मिश्र ने बांका जेल का निरीक्षण किया। करीब 3 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए जेल प्रशासन को विशेष निर्देश दिया। इस दौरान जेल कर्मियों और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ पूरे जेल का जायजा लिया। बाद में प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिन में कैदियों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कैदियों को मानक के अनुसार सुविधाएं देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान सब दुरुस्त होने की बात कही गयी। कैदियों की संसीवन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है और साथ ही साथ कैदियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं जेल के भीतर में, जो मानक के अनुरूप है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रोबेशन कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया है और प्रोबेशन कार्यालय का एक नया भवन बनना है, उसके लिए भी भूमि चिन्हित कर रहा है। इसके लिए समुख्या मोड़ भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव की अगुवाई में किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सह विधायक राम नारायण मंडल, पार्टी जिला अध्यक्ष विकास कुमार सिंह शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में बांका युवा मोर्चा की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बांका की 5 में 4 सीट पर NDA गठबंधन को जीतने में युवाओं की योगदान काफी रहा है। आज के युवा कल के भविष्य हैं। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की नींव है जो हमेशा से मजबूती से खड़ा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता भारतेंदु मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय दास, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भोलू पौदार, जिला उपाध्यक्ष अनमोल सिंह, डोलू गुप्ता सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरपुर प्रखंड के भरको गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर हुई विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से महिला समेत आधे दर्जन लोग जख्मी हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने थाने में दिया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सुदय यादव घटना स्थल पर पहुंचकर सभी जख्मियों को पुलिस वाहन पर लादकर प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा जख्मी प्रथम पक्ष के प्रकाश पोदार, विनीत पोदार, माना देवी, मनीषा देवी एवं द्वितीय पक्ष के मिथुन कुमार, प्रदीप शाह, चमकलाल शाह का प्राथमिक उपचार किया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष के प्रकाश पोदार ने बताया कि भरको गांव स्थित युवा बैंक के समीप ज्वेलरी की दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा हूँ। मेरे दुकान के समीप ही बाली कित्ता गांव निवासी मिथुन कुमार की ज्वेलरी की दुकान है। उक्त दुकानदार आए दिन अपने दुकान का कूड़ा मेरी दुकान के आगे डाल देता है, जिसका विरोध करने पर मिथुन कुमार, चमकलाल शाह, प्रदीप शाह, शंभू शाह समेत आधे दर्जन लोग लोहे की सरिया एवं लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के जख्मी मिथुन कुमार ने बताया कि हमारी दुकान भरको गांव में है। प्रकाश पोदार आए दिन भरको गांव से दुकान हटाने का दबाव बनाता है। दुकान नहीं हटाने पर प्रकाश पोदार, सोनू पोदार, मनीष पोदार समेत अन्य 5-6 लोग लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मौके पर सहायक अवर निरीक्षक सुदय यादव ने दोनों पक्षों को बयान को कलमबद्ध किया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।